सुबही खान, हम आपको इस डिबेट में लेके आना चाहते हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मूल चिन्ह है इस्लाम का पर्दा। पवन जी, आपने कभी क्या अकाल तख्त के किसी मुद्दे में टीवी पे चर्चा होते देखी? आपने कुंभ कहा होगा कभी बैठ के आपने इस पर चर्चा? एक सेकंड, सुभाई खान को ले लीजिए, सुभाई खान से पूछ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। रुकिए, आप सवाल ये है सुभाई खान जी, क्या इस्लाम का मूल चिन्ह पर्दा है? जी बिल्कुल है। देखिए किसी भी पंथ, अरे सुभाई खान नाम नहीं है आपका मौलाना साहब, कम से कम महिलाओं की सुन तो लीजिए। आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोली। आप रखिएगा अपनी बात, एक बार सुभाई खान को सुन लीजिए, पूरा नाम बताइए। पवन जी देखिए, किसी भी मजहब का या किसी भी पंथ का कोई भी मूल चिन्ह या उस रिलीजन की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस वही होती है जो उस मजहब के ग्रंथों में कोडिफाइड हो, या फिर उस मजहब की जिस वक्त फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त ये कैटेगोरिकली प्रिंसिपल सेट हुए हो कि आपको ये करना पड़ेगा तो आप इस पंथ में, इस मजहब में है। ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं है। बुरके में, कुरान शरीफ में बुरके को लेकर या नकाब को लेकर कोई आयत नहीं है। सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात की गई है, अपनी कवर योर बॉसम्स लिखा गया है, यानी कि अपनी छाती कवर करिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स कवर करिए। अब मैं बात करती हूँ जो ये लोग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं एक मुद्दा क्रिएट करने के लिए। देखिए किसी को सिर्फ हिजाब करने से या सर ढकने से भी परेशानी नहीं है, परेशानी तब होती है जब वो हिजाब से आगे बढ़ के वो नकाब भी हो जाता है, आइडेंटिटी हाइड आप करने लगते हैं, एक सिविल सोसाइटी में आप पहचान छुपा कर घूमने लगते हैं। परेशानी ना इस्लाम से है ना हिजाब से है, परेशानी है जिद से, परेशानी है हठधर्मी से, परेशानी है कट्टरता से, परेशानी है द्विराष्ट्रवाद से कि आप जिस देश में रहते हैं आप उस देश के ना नियम मानेंगे ना कानून मानेंगे। मजहब की आड़ में हम अपने देश में अराजकता नहीं पैदा सकते। देहलवी साहब जवाब दीजिए, सुभाई खान कह रही है कि वो मूल चिन्ह नहीं है, आप मौलाना है, स्कॉलर है, इस्लाम के जानकार मानते, बताइए सुभाई खान को कि कैसे वो आप कह रहे हैं कि वो धर्म के मूल चिन्ह? पूरी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूँ, कुरान की बहुत सारी आयात ऐसी है जो मुझसे पहले तस्लीम रहमानी साहब ने कहा जो भारत में एप्लीकेबल नहीं होती। कुरान का वाज़े हुक्म है कि एक मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, एक मुस्लिम औरत एक मुस्लिम मर्द से शादी कर सकती है, कुरान का वाज़े हुक्म है। लेकिन भारत के अंदर हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग विभिन्न धर्मों में शादियां करते हैं। कुरान कहा हम कुरान की उस आयत को लेके आ जाए क्योंकि ये तो कुरान का वाज़े हुक्म है। 72 जगह कुरान ने कहा कि इस तरीके की शादियों की, लेकिन हम यहाँ पे इजाजत दे देते हैं। उसी तरीके से जलाल बुर्के पे जवाब नहीं देंगे, शादियों पे पहुंच जाएंगे, बुर्के पे एक भी वर्स नहीं बताएंगे, एक भी आयत नहीं बताएंगे। बुर्के पे तर्क दीजिए साहब, मूल चिन्ह कैसे है? सवाल तो मूल सवाल यही है कि मूल चिन्ह कैसे है? मूल चिन्ह कैसे है सिंपल सवाल बता दीजिए। एक उदाहरण जी, एक उदाहरण जी, एक उदाहरण पवन जी, एक उदाहरण। रुकिए रुकिए, आप जवाब ले लेते हैं। दलवी साहब बताइए, एक उदाहरण दीजिए, वो मांग रही है, सबूत मांग रही है। मेरी छोटी बहन, आपने कहा चूंकि पर्दा आयत कुरान में नहीं, भाई जुलाब हिन्ना की बात है, आप सही कर रही हैं। कोई चादर ओढ़े कोई अपने पहरे, मैं तो यहां तक कह रहा हूँ ये उसके ऊपर इजाजत है। तो वो महबूब मुफ्ती की तरह अपना चेहरा खोल के फिर भुट्टो की तरह चेहरा खोल के फिर मुझको कर, मैं कह रहा हूँ आप कुरान के हवाला दे रही है। तो अगर इतना रूढ़ीवादी लोग हो गए तो हम तो भारत में कल ये भी कहते थे कुरान में वजाहत के साथ ये आयत मौजूद है, हम सुप्रीम कोर्ट आगे कहते थे कि कुरान 72 जगह इस बात को अच्छा कर रहा है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से, मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम से शादी नहीं करी, हमने तो कभी नहीं कहा, जबकि कुरान का वाज़ह हुक्म मौजूद था। तो हर चीज को कुरान के साथ मत जोड़िए, कुछ चीजों को प्रथाओं के साथ जोड़ दीजिए। और अगर आप ये निगत यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद है, इनका फोटो मेरे पास मौजूद है, ये बुरके में थी, ये हिजाब के साथ आई थी, जब बीजेपी को मुसलमान महिला को मजबूर क्यों करते हैं कि वो बुरका ओढ़े? और जो निखत जी, निखत जी उसको आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। निखत जी को आप कह रहे हैं कि वो बुर्का पहनती थी, अब नहीं पहनती, तो ये भी तो चॉइस का मामला है ना, मुख्य दलील तो चॉइस है। बोलना चाहती हूँ जी निखत, बताइए मौलाना साहब आप क्या दिखाएंगे? मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मौलाना साहब आप क्या दिखाएंगे? इंडिया टीवी ने खुद अपने पैनल पे मेरी तस्वीर बुर्का नशीन में डाल रखी है और पूरी पब्लिक, आज भी आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो मेरे पास मेरी तस्वीरें जो मैं बुर्के में बुर्का पहनती हूँ नहीं पहनती, वो मेरी चॉइस है। मेरा जब मन करेगा मैं पहनूंगी, जब मन नहीं करेगा तब नहीं पहनूंगी। अगर पवन जी आज कहते कि हमारे पैनल पे सिर्फ ड्रेस कोड ही बुर्का तो मैं पहनकर आती, उन्होंने मैं कहूंगी आपको बड़ा दुख होगा, पर उन्होंने ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं कि बाल मत खोल के आएगा। अब पहली बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मौलाना साहब यहाँ कह रहे हैं कि हिजाब कुरान पाक का पार्ट है, बिल्कुल है, मैं तो कहती हूँ है, लेकिन
आंखों का पर्दा है, कपड़े के रूप में कभी भी हिजाब को मेंशन कुरान पाक में नहीं करा गया, मॉडेस्टी और चैस्टिटी के रूप में कहा गया, जिस प्रकार अपने प्राइवेट पार्ट को सुबुही ने भी बताया, अपने प्राइवेट पार्ट को अपनी बॉडी को मॉडेस्ट तरीके से कवर करना है। अब कुरान पाक का पहला लफ्ज क्या है पवन जी? इकरा। इकरा का मतलब होता है, और मौलाना साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसका मतलब होता है गौर फरमाइए, पढ़िए। तो मुझे बताइए, अगर आप कह भी रहे हैं, मैंने कह दिया, चलिए पहली बात तो ये झूठे, मैं पहले आपके व्यूअर्स को बता दूं कि हिजाब कपड़े के रूप में है ही नहीं कुरान पाक में, पर इनकी झूठ बात भी मान लेते कि चलो है कपड़े के रूप में हिजाब, तो भी इकरा पहला लफ्ज है, यानी पढ़ाई, एडुकेशन पहला लफ्ज है, तो हिजाब से पहले एडुकेशन है। तो आज तो लड़ाई ये हो रही है ना कि हिजाब या किताब, जैसे AIMIM के लोग कह रहे हैं पहले हिजाब फिर किताब, लड़ाई बस यही है कि हम कह रहे हैं पहले किताब। तस्लीम साहब, आपको इस डिबेट में ये जानना चाहता हूं मैं, अगर सवाल ये है कि किताब या हिजाब, तो क्या हिजाब अगर चॉइस है तो वो कुछ देर के लिए रुक सकता है जब तक कोर्ट फैसला दे पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, या वो इतना मूल हो गया है कि पहले ये तय हो कि हिजाब चाहिए कि नहीं फिर किताब की बात हो? देखिए, आप मुझे एक डेढ़ मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। पहली चीज तो ये कि निखत अब्बास यहाँ बैठी हैं, ये इत्तफाक से हमारी मुस्लिम बहन शिया भी हैं। चादर जहरा एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, वो चादर किस मानों में है वो बताएंगी। दूसरी बात, मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूँ, ये स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म का इशू है। हम दुनिया के किसी देश में किसी सिटीजन को किसी ड्रेस कोड के लिए कहीं भी मजबूर नहीं कर सकते। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि भारत यूनिफॉर्म तो सर ये ड्रेस किस लिए होती है, अमेरिका के नहीं, आप कह रहे हो कि मजबूर नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्मिटी के लिए है ना, वो तो पहली कंडीशन है बराबरी के लिए। ये अभी जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी अपने अपने वक्त पे बदलती रहती है। ये एक आप जानते हैं, मैं कितनी मिसालें दूं, पुलिस की यूनिफॉर्म, आर्मी की यूनिफॉर्म, खुद आरएसएस की यूनिफॉर्म, कितनी यूनिफॉर्म्स हैं जो वक्त वक्त पे बदली नहीं है। हालात और ज़रूरत के मुताबिक यूनिफॉर्म्स भी चेंज होती हैं। हर स्कूल 8-10 साल पे अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर देता है। यही कर्नाटक के स्कूल में आज से 10-15 साल पहले तक सिर्फ स्कर्ट थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन्होंने बदल के लड़कियों के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा किया, इसी कर्नाटक में किया, ये पहले से नहीं चला रहा था। तो अब इसको आप सिर्फ बच्चों के यूनिफॉर्म का अगर इशू रखते हैं तो ये एक सिंपल सा इशू है, लेकिन आप इसमें इस्लाम, पर्दा और हिजाब की पूरी डिबेट को ले आएंगे तो जितना लाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। आखिरी बात इस सेगमेंट की मैं कह दूं कि कुरान हकीम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, वो रूल्स प्रेस्क्राइब नहीं करता। जिस तरीके से हम एक एक्ट बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनता है, बट उस एक्ट को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से बनाते हैं। रहमानी साहब, रहमानी साहब ना समझा जाए, जो कुरान को मैनिफेस्टेशन समझा जाना चाहिए। एक सवाल ले लीजिए, और इसलिए कुरान में जो जिक्र है जिसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कोट किया आप ही के चैनल पे, और उसकी को मैंने कोट किया था इससे पहले सौरभ के शो में, उसी आयत को सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 को मैंने कोट किया था, जो उसमें पर्दे और चादर का बिल्कुल क्लियर हुक्म मौजूद है और उसको सुबुही भी एक्सेप्ट कर रही है। रहमानी साहब, एक सवाल ये ले लीजिए, सवाल ये है, प्राइवेट पार्ट आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म बदलती रहती है, मौजूद है, तो जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पहले हिजाब की बात होगी, फिर पुलिस में भी यूनिफॉर्म बदलाव की बात होगी, फिर आर्मी में भी। क्या पुलिस में जाने वाली मुस्लिम महिलाएं, ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है, आप ही तो कह रहे बदलाव होते क्या, तो क्या होगा शुरुआत, अगर यहाँ अभी पहले आज की बात कर लेना, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके डेविएट मत कीजिए ना पूरी की पूरी डिबेट को, ये हाइपोथेटिकल है कि फिर ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा फिर वो, अभी आज की बात कीजिए पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।